Hello students, my name is Sagar Pandya and welcome back to the YouTube channel. Today we are going to start with a very interesting chapter. Bahut easy chapter padhne wale hai. Chapter number 3, political parties. Now, political science ek aisa part hai. Ye wala chapter rather itna important hai. Jab hi hum log baat kar rahe about this chapter, it is very interesting to know ke bhai ye chapter mein hum log bahut sari aisi cheeze padhne wale hai jo हम लोग जो रेगुलर लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी जैसे सीजन चल रहा है फेस्टिवल्स का, तो वो टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि गणपति फेस्टिवल चल रहा है या जन्माष्टमी चल रहा है या दिवाली आने वाला है, तो हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे रहेंगे अपने एरिया में कि भाई ये पर्टिकुलर चीज ने, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने सर्व गणेश भक्तांचे हार्दिक स्वागत, और एक बड़ा सा फोटो रहेगा वहां पे, पॉलिटिकल पार्टी का नाम रहेगा वहां पे, एक छोटा सा पॉलिटिकल पार्टी का लोगो रहेगा. So what is political party basically? तो political parties के बारे में जब भी हम पढ़ने वाले हैं, let us start with the first part कि भाई political party होता क्या है? Now political party basically is a link that connects common people along with the democracy. जैसे हम लोग बोलते हैं democracy, democracy का मतलब क्या है? Democracy is government of the people, for the people, by the people. वापस, democracy is government of the people, for the people, by the people. So Democracy is government of the people. It is made of the people. मतलब हम में से ही कोई एक रहेगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट. सर तो हमें रिप्रेजेंट कैसे करेगा? इफ यू रिमेंबर द MPs एंड द MLAs, लोकसभा एंड विधानसभा के जो मेंबर्स है उनको कौन इलेक्ट करता है? हम. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, हम इलेक्ट करते हैं विधानसभा के मेंबर्स को. और ये किधर इलेक्ट होते हैं? ऑब्वियसली ये अपने लोकसभा एंड विधानसभा में इलेक्ट होते हैं. लोकसभा जैसे हम लोग पार्लियामेंट बोल सकते हैं, विधानसभा जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे हम लोग बोल रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो MLAs होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट. तो जैसे प्रधानमंत्री श्री फॉर एग्जांपल राइट नाउ अभी नरेंद्र मोदी जी है, तो नरेंद्र मोदी जी अपना स्पीच दे रहे हैं और मैं डायरेक्टली जाके बोलूं अरे हम लोग के यहाँ पे रास्ते का प्रॉब्लम चल रहा है या कचरे का वो ढेर मेरे बिल्डिंग के गेट के बाहर लगाया, तो मैं डायरेक्टली जाके बोल सकता हूँ क्या? नहीं. वो बोलेंगे ये मेरा काम नहीं है, मैंने इसके लिए मैंने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हैं. अच्छा, मैं मेरे एरिया के कॉरपोरेटर को लेटर लिखूंगा या MLAs को कंप्लेन करूंगा कि रास्ते खराब है, तो वो हो सकता है? यस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हमें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, एंड इसके लिए डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी कॉमन पीपल डेमोक्रेसी के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जाते हैं एंड इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, वो कॉमन पीपल इलेक्ट करते हैं ये MPs एंड MLAs को, ये रिप्रेजेंटेटिव को. सो वॉट एवर वी रीड और हियर अबाउट पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे political parties exist in all the democratic systems, but in fact the political parties compete with each other only in democracy. to jab bhi competition hota hai wo democracy mein hi hota hai, but ye healthy competition hona chahiye. healthy competition matlab kya, ki aise kuch aise situation nahi honi chahiye ki jiski wajah se wo uska after effect bahut bura ho, violence create nahi hona chahiye. basically ye political parties ka jo competition hai wo healthy competition hona chahiye. So political parties are a kind of social organization, but there is a difference in its working. जैसे कोई भी social organization होता है वो भी political party जैसा ही काम करता है, but दोनों में फर्क क्या है? उनका जो goal रहेगा, जो style of working रहेगा, वो अलग रहेगा. जैसे political parties का and other organization, जैसे NGOs होते हैं, non-governmental organization, अभी ये लोग काम करते हैं, दोनों का जो goal रहेगा, style of working रहेगा, it will be different. Because political parties are organizations formed by people. People ने elect किया है इनको, and उनका main objective क्या है political party का? कि भाई हमको political power चाहिए, achieve करना है political power. जैसे political power achieve किया, the political parties thus can be described as a group of people who aim to contest election. तो पहले क्या करते हैं? Election contest करते हैं. Election contest करने के बाद they win the election. इलेक्शन जीत गए, उसके बाद क्या? पहुंची पहुंची कर रहा है? नहीं, गेटिंग द पावर. पावर मिल गया, पावर मिल गया. एट द एंड ऑफ द डे दे एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी. मतलब उनके पार्टी का गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो रहा है वहां पे, वो देखा जाता है.
Following are some of the important characteristics of political party. Now this is very important. The answer suna, this is an important 2-mark answer exam mein aayega. Jaise sabse pehla important characteristics hai to be in power. Kaun sa? To be in power. Second one is to pursue an ideology. Pursue an ideology matlab kya? Ke unka jo ideology hai, mindset hai, wo ideology pursue karna hai. Ye sab points hum detail mein padhne wale, so tension nahi. Third characteristics is to have a party agenda. Fourth one is to establish a government. And fifth one, to act as a link between government and people. So, जब भी हम लोग ये चीज देखते हैं, सबसे पहले characteristics की बात करते हैं, to be in power. So, बच्चा, जब भी to be in power, मतलब कोई भी political party का main aim क्या रहेगा? कि भाई power में रहना है, बराबर? अच्छा, power में रहना है, इसका मतलब क्या? कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से हम इलेक्ट होके आए हैं तो हमारा हमारे पास पावर रहेगा. सो मेन ऑब्जेक्टिव इज अचीविंग पावर एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विथ ईच अदर टू गेट पावर. जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ हु इज द रूलिंग पार्टी राइट नाउ. जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इट इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2023. तो राइट नाउ द रूलिंग पार्टी इज बीजेपी एंड द ऑपोजिशन पार्टी इज कांग्रेस. तो बच्चा ध्यान से सुनना, शायद तुम लोगों का एग्जाम आएगा तो बिकॉज मई 2024 में वापस इलेक्शन है, तो वापस ये वीडियो अगर तब भी देखोगे तो वो रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी शायद चेंज हो जाए. बट द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विथ ईच अदर टू गेट पावर. ये उनका मेन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का. सेकेंड इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी परस्यू करना मतलब क्या? मतलब एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज, उनका कुछ वर्ल्ड व्यूज होता है एंड पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यू. जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम पॉलिसीज का बात कर रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग वर्ल्ड व्यूज दिए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोशल इश्यूज के लिए फाइट करते हैं. जब भी ये जो दूसरे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं लोगों को बताने के लिए, हम लोग फाइट करेंगे जैसे दहेज प्रथा बंद करेंगे, डाउरी सिस्टम जिसको बोलते हैं, या फिर हम लोग सोशल इनइक्वालिटीज बंद करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे बहुत सारे सोशल इश्यूज है जो डिस्कस किए जाते हैं इन दिस आइडियोलॉजी. दीज टुगेदर मेक अ पार्टी आइडियोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू दैट लोगों का सपोर्ट मिलना चालू होता है. ये जो लोगों का सपोर्ट होता है उसको बोला जाता है मास बेस. क्या बोला जाता है? मास बेस. मास बेस मतलब क्या? पीपल्स सपोर्ट. द सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड एज मास बेस. In modern day, ideology of all the political parties appear to be similar. Because आज ऐसा हो गया है कि सब political parties similar चीज बोलते हैं कि भाई पहले ऐसा था कि कुछ अलग सोच रहे या ऐसा कुछ. आज सब लोग सेम बोल रहे हैं, हम लोग रूरल डेवलपमेंट करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जो इनडिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए लड़ेंगे. मतलब ये एक आइडियोलॉजी सब पोलिटिकल पार्टीज का सेम हो गया है. थर्ड वन इज टू पार्टी टू हैव अ पार्टी एजेंडा. अभी पार्टी एजेंडा का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने आइडियोलॉजी बनाया, जैसे सोशल माइंडसेट कि भाई हमारा ये आइडियोलॉजी है, हम लोग इस चीज के लिए फाइट करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज हम लोग नहीं होने देंगे. वैसा ही पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर्स देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी. वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे एजेंडा बनाया जाता है. दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट द पोलिटिकल पावर. मतलब क्या? मतलब आइडियोलॉजी जब भी बनाता ना तभी बोलते हैं ना वो मिनिस्टर्स, मैं वादा करता हूं आपको कि ये पर्टिकुलर चीज होगी. मतलब बाद में उसके बेसिस पे ये आइडियोलॉजी था ना, अभी उसके बेसिस पे लोगों ने वोट दिया पावर में आ गए, तो अभी क्या कि वो बन जाता है उनका एजेंडा. एजेंडा मतलब क्या? अपना पता है टू डू लिस्ट के आज के दिन में ये करना है, तो वो एजेंडा है उसका. तो जो वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ना. एंड इसके लिए टू हैव अ पार्टी एजेंडा दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज अ थर्ड वन. अभी फोर्थ आते हैं. टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना. द पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशेस द गवर्नमेंट टू एंड गवर्न्स द नेशन. हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट? जैसे पावर मिल गया तो जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिला, सबसे ज्यादा वोट्स मिला, वो पॉलिटिकल पार्टी को बोला जाता है मेजॉरिटी एंड उसको पावर मिलता है. These parties which do not get majority, वो क्या करते हैं? तो वो opposition party बनते हैं. तो they act as a opposition party. Last characteristic is to act as a link between government and the people. So political parties किसके लिए काम करते हैं?
दे वर्क एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल. मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कोई भी, जैसे प्राइम मिनिस्टर का बात है, तो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली हम जाके बोल सकते हैं क्या? नहीं. तो हमको ये पॉलिटिकल पार्टी को बोलना है, मतलब वो एमपीज एंड एमएलएस को बोलना है कि भाई ये पर्टिकुलर डिमांड्स है हमारा. सो इसके लिए ये एमपीज एंड एमएलएस किसके होते हैं? तो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं. एंड इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. द पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. सो अपना पॉलिसी एंड अपने प्रोग्राम के लिए ये सपोर्ट इकट्ठा करते हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस दे अक्वायर पॉलिटिकल पावर सच एज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज. पार्टी विच फेल्स टू सिक्योर अ मेजॉरिटी इज नोन एज ऑपोजिशन पार्टी. सोशल सपोर्ट रिसीव्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज मास बेस. And the main objective of political party is to capture dash, that is to capture power. Now, the changing nature of political party system in India. जब भी हम लोग बात करते हैं about independence, so बच्चा इंडिया को independence कभी मिला? 15th of August 1947. जब भी इंडिया को independence मिला, वो time पे there was one political party which was at the forefront. जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, 9th में भी हमने पढ़ा था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में, तो वो टाइम पे मेजर पॉलिटिकल पार्टी कौन सा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो कांग्रेस इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी था. हु वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इट वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू. सो पंडित नेहरू वॉज फ्रॉम विच पार्टी? कांग्रेस. सो कांग्रेस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एज वेल. कांग्रेस was majority at the center and in most of the states as well. But this era was hence described as single dominant party system. Kaun sa system? Single dominant party system. Ab ye single dominant party system matlab kya? Ke since 1947 till the death of Jawaharlal Nehru and after death of Jawaharlal Nehru, later on Lal Bahadur Shastri and Lal Bahadur Shastri ke baad Indira Gandhi ji, all these were for the leaders of political party called as Indian National Congress. And Congress ke hi to leaders the ye. Are you getting my point? To ek hi political party 1974 tak, rather 1974 ke end tak, ek hi political party ruling kar raha tha. And that is why this political party or India mein bola jata tha single dominant party system. फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे जो ऑपोजिशन पार्टीज थे वो सब साथ में आए एंड बोला हम लोग ये हटाएंगे. And the non-Congress parties came together and challenged the single dominant party system. Bola ke hum log sab milke opposition party ek ho jayenge and Congress ko harate hai. So in 1977 single dominant party system ka jo concept tha wo hatana pada. And after 1989 Lok Sabha election the system of one party emerging as a dominant party came to an end. And this one party system se बनना चालू हुआ कोएलिएशन गवर्नमेंट. नाउ ये कोएलिएशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है सर? जैसे फॉर एग्जांपल कोएलिएशन गवर्नमेंट मतलब व्हेन देयर आर टू और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. मिली जुली सरकार. कौन सी जुली? मिली जुली सरकार. जैसे मिली जुली सरकार का मतलब क्या हुआ? जैसे महाराष्ट्र का बात करें, अभी महाराष्ट्र में मेरे इधर रत्नागिरी में मेरे फार्मर्स को क्या डिमांड है वो दिल्ली में बैठ के उसके मिनिस्टर को थोड़ी पता रहेगा. तो इंडिया के जितने भी अलग अलग गांव में सब लोगों को रियलाइज होने लगा कि भाई हमारा डिमांड तो सफाइस नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे लोगों को वोट करें जो हमारे एरिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचे. तो इसके लिए ये जो ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी छोड़ दो, जो बंदा हमारे लिए काम करेगा उसको हम लोग एमपी या एमएलए चूज करेंगे. तो ऐसे में बहुत सारे रीजनल पार्टीज आने लगे. जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना, रीजनल पार्टी इन महाराष्ट्र शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना टुडे, राइट. सो शिवसेना को वोट देना चालू किया लोगों ने एंड बोला कि यार शिवसेना मतलब हमारे लोग हैं, उनको मालूम है कि महाराष्ट्र का प्रॉब्लम्स क्या है एंड वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो लोगों ने उनको वोट देना चालू किया. तो बीजेपी को जब ये चीज रियलाइज हुआ कि ऐसे रीजनल पार्टीज हैं, तो उन्होंने क्या किया? कोएलिएशन करना चालू किया.
कि भाई मतलब तुम्हारे जो मतलब मैं और तुम हम दोनों हाथ मिला रहे, तो बीजेपी एंड शिवसेना केम टुगेदर इन द ईयर 1999 एंड सेंट्रल लेवल पे शिवसेना सपोर्ट करने लगा। वैसे ही कांग्रेस दूसरे स्टेट में सपोर्ट करने लगा दूसरे स्टेट के रीजनल पार्टीज को। इसके लिए द कोएलिएशन गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉर्मिंग, मतलब क्या कि दो पार्टी सब मिला के काम करने लगे। हियर बोथ भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि चलो ये कोएलिएशन करते हैं, देखते हो रहा है कि नहीं। एंड वर्ल्ड में ये कोएलिएशन गवर्नमेंट का ना हमेशा प्रॉब्लम हो रहा था, बट इंडिया एक ऐसा कंट्री था विच बिकेम सक्सेसफुल इन मेकिंग दिस कोएलिएशन गवर्नमेंट एंड ये दो अलायंस हो गए। एक बीजेपी लेड, मतलब बीजेपी ने जो लीड किया था वो अलायंस का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी एंड उनके जितने कोएलिएशन करने वाले दूसरे पार्टीज है वो एक साइड पे आ गए, एंड दूसरे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब जिसको लीड कर रहा था कांग्रेस, तो कांग्रेस एंड उसके दूसरे पार्टीज जो उनको सपोर्ट कर रहे थे कोएलिएशन में, वो तो वो एक साइड पे आ गए। तो एक साइड पे आ गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीए, एंड दिस वॉज लेड बाई बीजेपी, एंड दूसरे साइड पे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीए गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना एनडीए लेड बाय बीजेपी इसका सरकार आया, या यूपीए लेड बाय कांग्रेस इसका सरकार आया। क्यों? बिकॉज एनडीए एंड यूपीए का अलायंस बना लिया। डू यू नो? नो, लेट अस। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखे या वर्ल्ड में देखे, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, एंड डेमोक्रेसी है वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज होगा। बट कुछ कंट्रीज है जहां पे अलग अलग लेवल्स है, जैसे वन पार्टी सिस्टम। ओके, इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल, तो उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना, अभी चाइना में ना 7-8 पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, बट ये सब पॉलिटिकल पार्टीज खाली एक पार्टी के इन्फ्लुएंस में है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो अभी जब हम लोग बोलते हैं चाइना में, तो चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल में है, इसके लिए इसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। बट वही यूएसए में देखे तो वहां पे वन नहीं दो पार्टी है, तो उसको बोला जाएगा टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम मतलब क्या कि इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल एंड एंजॉय द पावर, और अल्टरनेटिवली नहीं होता है कि भाई पहले इसको बाद में इसको वापस इसको, नहीं, एंजॉय द पावर आइदर वेज, इसको बोला जाता है यूएसए, इसको बोला जाता है टू पार्टी सिस्टम। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए, जैसे वहां पे दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक है डेमोक्रेट्स दूसरे रिपब्लिक्स, तो एक हो गया वन पार्टी सिस्टम, दूसरा हो गया टू पार्टी सिस्टम, तीसरा हो गया थ्री पार्टी सिस्टम, नहीं रे मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या, बेस्ट एग्जांपल इंडिया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी रे, व्हेन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट टुगेदर फॉर पॉलिटिकल पावर इन मोर और लेस दे आर इक्वली इन्फ्लुएंशियल, एंड इसके लिए उसको बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। कौन सा पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ जब भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस कैन बी आस्क फॉर योर एग्जाम, इनमें से दो क्वेश्चन है फर्स्ट एंड थर्ड फिल इन द फर्स्ट एंड फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स जो बोर्ड में भी पूछा गया है, तो प्लीज गो थ्रू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी। अभी ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये एग्जाम के टाइम पे सबसे ज्यादा याद न रहने वाला पार्ट है। तो ये क्या है, अभी ध्यान से सुनो, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी, मतलब तेरा एक रीजनल पार्टी है, उसको नेशनल लेवल पे, उसको नेशनल लेवल इन्फ्लुएंस चाहिए। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल पार्टी, कांग्रेस नेशनल पार्टी कंट्री लेवल पे है, एंड कुछ पार्टी होते हैं जो रीजनल लेवल पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिवसेना, जैसे तृणमूल कांग्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब क्या है, कौन से लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है, ठीक है। अभी ये रीजनल लेवल पे है, रीजनल से नेशनल लेवल पे बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर,
तो मैं जाके बोलूंगा हाँ मैं सब जगह इलेक्शन लड़ूंगा और जीत जाऊंगा, नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे रूल सेटअप किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू गेट रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन हैज प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहला, द पॉलिटिकल पार्टी शुड गेट मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स आर सीट्स नहीं, वोट्स। तो 6% वोट्स मिलना चाहिए इन फोर और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो मिनिमम 6% वोट्स इन फोर और मोर स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी है, तो मैंने क्या किया, मैं महाराष्ट्र से गुजरात गया, मध्य प्रदेश आया, कर्नाटक आया, एंड ये सब जगह पे मिला के 6% वोट्स मिलना चाहिए इन लोकसभा इलेक्शंस। सर तो मेरा बन जाएगा रीजनल से नेशनल पार्टी? नहीं रे, इसके साथ एक और क्राइटेरिया है, एंड मिनिमम 4 मेंबर शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। मतलब क्या, मतलब 6% वोट्स मिला इन 4 स्टेट्स एंड कम से कम 4 मेंबर इलेक्ट होने चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट। मतलब सर खाली 4 मेंबर महाराष्ट्र से होंगे तो चलेगा क्या? चलेगा। 6% वैलिड वोट्स एंड 4 मेंबर्स, 6% वोट्स इन 4 स्टेट्स एंड 4 मेंबर्स इलेक्टेड इन लोकसभा, तो वो बन जाएगा रीजनल से नेशनल पार्टी। सिंपल सर, बट इतना सब कुछ नहीं करना है तो कुछ डायरेक्ट बोलो ना। अभी डायरेक्ट बोलू तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे टोटल लोकसभा का सीट्स कितना है, 543। क्या 543? क्या ये हम लोग ने पढ़ा था? टोटल कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ लोकसभा 543। 543 कॉन्स्टिट्युएंसी का अगर 2% कॉन्स्टिट्युएंसी आउट ऑफ द ऑल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी इन मिनिमम 3 स्टेट्स मिल गया, 2% 543 का निकालो तो समेर अराउंड 11 सीट होता। तो टोटल 3 स्टेट में मिनिमम 11 सीट मिला तो तेरा बन जाएगा रीजनल से नेशनल पार्टी। मतलब क्या, मतलब 3 स्टेट में, मतलब सर महाराष्ट्र में 9 मिला, गुजरात में 1 मिला, मध्य प्रदेश में 1 मिला तो भी चलेगा? चलेगा। 11 सीट कम से कम मिलना चाहिए, दैट इज 2% ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी आउट ऑफ एंटायर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी, तो बन जाएगा तेरा रीजनल से नेशनल पार्टी। सर अगर मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसको अगर रीजनल पार्टी बनाना है तो वो दूसरा क्राइटेरिया होगा। बट इधर तक समझा, बहुत सिंपल। तो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स एंड 4 मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, दोनों हुआ तो तेरा बनेगा रीजनल से नेशनल पार्टी। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर सिंपल चाहिए तो 2% ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी एंड इन मिनिमम 3 स्टेट्स, तो बन जाएगा तेरा रीजनल से नेशनल पार्टी। सिंपल। बट सर अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन से रीजनल पार्टी बनाना है तो 6% ऑफ वैलिड वोट्स मिलेगा, सेम फर्स्ट क्राइटेरिया, सेम अर्लियर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। अभी जैसे सेम, मतलब वहां पे हम लोगों ने देखा 4 और मोर स्टेट्स में ना, बट यहाँ पे तो एक ही स्टेट, बिकॉज रीजनल पार्टी बनाना ना, मतलब महाराष्ट्र लेवल पे चाहिए मुझे, तो पॉलिटिकल पार्टी मिनिमम 6% वोट्स मेरे लोकसभा असेंबली में से मिलेगा एंड मिनिमम 2 मेंबर्स विधानसभा में इलेक्ट हो गए तो बन जाएगा मेरा रीजनल पार्टी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रीजनल पार्टी। अगर ये नहीं तो सर डायरेक्ट वाला कुछ है क्या? है। विधानसभा में 3% सीट्स वो पॉलिटिकल जो भी स्टेट रहेगा उसका विधानसभा में 3% सीट्स मिला और 3 सीट्स विच एवर इज हाई। अभी कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, अभी महाराष्ट्र में 288 सीट्स है, ओके। अभी 288 सीट्स का अगर मैं 3% निकालू तो कम से कम 8 या 9 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 8 या 9 होता है, तो 8 और 9 एंड 3, वॉट इज हाई? 9। तो महाराष्ट्र में 9 इज द क्राइटेरिया। बट अगर सिक्किम में देखे तो उनका पॉपुलेशन कम है, अभी सिक्किम का खुद का विधानसभा का टोटल सीट है 60, उसमें से उसका 3% निकालो तो 1 रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो 3% निकाला, अगर 1 सीट मिला तो चलेगा क्या? नहीं रे, नहीं चल सकता, 1 या 1.2 होता है। तो 1 एंड 3, वॉट इज हाई? 3। तो मिनिमम 3 होना चाहिए एंड मैक्सिमम जितना 3% से हुआ तेरे स्टेट के हिसाब से, वो विच एवर इज हाई,
या तो थ्री या तो तेरे स्टेट के हिसाब से. सो रिकॉग्निशन एज रीजनल पार्टी. नेक्स्ट, टोटल इंडिया में देर आर 7 नेशनल पार्टीज इन इंडिया, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. सो लेट अस सी विद द फर्स्ट ईच एंड एवरी नेशनल पार्टी इन डिटेल. बट नेशनल पार्टी का जब भी बात करें तो उनका कुछ तो एम्स एंड पॉलिसीज है, स्टार्टिंग विद कांग्रेस. कांग्रेस कभी बनाया था? जब भी ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे थे. ये वही कांग्रेस है जो आज तक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1885. उसका मेन एम कि भाई वो किसके लिए काम करता है, वर्क्ड फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे, उनका पॉलिसी क्लियर था. हम किसके लिए काम कर रहे हैं? फॉर सेक्युलरिज्म, दैट इज एवरी रिलीजन बीइंग इक्वल, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड इक्वल राइट्स, द वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजियस सेक्शन. वापस बोल रहा हूँ, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? एवरी रिलीजन बीइंग इक्वल, हर जगह डेवलपमेंट करना है एंड सबको राइट्स मिलना चाहिए. वेलफेयर फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब क्या? माइनॉरिटी आर दोज पीपल जिनका पॉपुलेशन कम है, अकॉर्डिंग टू वो रिलीजन बोलो या वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग बोलो, वो माइनॉरिटीज में आते हैं. सो वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजियस सेक्शन. इनका बिलीफ क्लियर है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल डेमोक्रेसी के थ्रू बढ़ना चाहिए, सोशल इक्वालिटी, सोसाइटी में इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस, ये उनका बिलीफ है, पीस मेंटेन करना. Along with that, next is Trinamool Congress, established in 1998. Unko na national level party recognition mila 2016 mein. But 2022 ya 23 mein, recently, wo recognition as a national party chala gaya hai. But apne textbook mein wo update nahi kiya, toh wo yaad rakhne ka zarurat nahi hai. Trinamool Congress, apne textbook ke hisab se, it is a national party. Main पॉलिसी एंड बिलीफ है उसका डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म. डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. सेक्युलरिज्म मतलब क्या? एवरी रिलीजन बीइंग इक्वल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कभी बनाया? 1999 में शरद पवार जी ने ये पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होके उन्होंने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. एंड वो पावर है, पावर इन महाराष्ट्र में है 1999 से लेके 2014 तक. एंड कांग्रेस को सपोर्ट किया था एट नेशनल लेवल, जैसे मैंने कोएलिएशन गवर्नमेंट. तो कोएलिएशन गवर्नमेंट मतलब 2004 से लेके 2014 तक कोएलिएशन गवर्नमेंट में सपोर्ट किया था उनको. डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म, ये उनका मेन बिलीफ है. नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी. नाउ ओरिजिनली देर इज अ पार्ट, देर वॉज अ पार्टी, जैसे इंडिपेंडेंस मिला वो टाइम पे एक पार्टी था भारतीय जनसंघ, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951. उसके बाद जनता पार्टी के साथ वो मर्ज हुआ, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1977. हमने बोला ना कि सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, तो ऑपोजिशन पार्टी सब मिला के एक हो गए एंड वो पार्टी बनाया जनता पार्टी. बट अंदर अंदर डिफरेंसेस हुआ एंड दिस पार्टी कुड नॉट सर्वाइव. तो अंदर अंदर डिफरेंसेस हुआ तो देर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड भारतीय जनसंघ एस्टैब्लिश न्यू पार्टी इन 1980 जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. इनका मेन एम था प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, उनका बिलीफ है इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी, 1984 में बना. इसका मेन इंटरेस्ट वॉज शेड्यूल प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस. एंड ये लोग क्या प्रोफेस करते हैं? सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. उसके बाद आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन 1925, ऑपोजिस कैपिटलिज्म. नाउ डू यू रिमेंबर कैपिटलिज्म कहां पे है? तो इफ यू नो अमेरिका में कैपिटलिज्म है. एंड उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बना. अभी ये पार्टी का मेन रीजन क्या था? तो रशिया में रेवोल्यूशन आया 1917 में एंड कम्युनिज्म स्प्रेड हुआ. कम्युनिज्म जैसे रशिया में स्प्रेड हुआ वैसे सब अलग अलग कंट्रीज में कम्युनिज्म आने लगा, इंडिया में भी आया. एंड इंडिया में इफ यू रिमेंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था
श्रीपद कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, यस, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में. सो डेवलप डिफरेंसेस, अंदर अंदर झगड़ा हुआ इन 1962 एंड बोला कि सी कम्युनिज्म दो अलग अलग कंट्री में था. जो बड़े कंट्रीज थे लीडर्स बन चुके थे, एक था चाइना दूसरा रशिया, तो कम्युनिस्ट चाइना का कम्युनिज्म फॉलो करे कि सोवियत यूनियन या रशिया का कम्युनिज्म फॉलो करे और किसका लीडरशिप एक्सेप्ट करे. तो इसके लिए 1962 में अंदर अंदर ही स्प्लिट हो गया एंड एक नया पार्टी बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. वो एक मिनट के बाद पढ़ेंगे, अभी बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का. दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर्स एंड द वर्कर्स, लेबरर्स एंड वर्कर्स दोनों का बेनिफिट. इसके लिए जब हम लोग बोलते हैं ना फार्मर्स लेबरर्स एंड वर्कर्स, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का लोगो भी वही है, हैमर है, सॉरी एक फार्मर्स का जो क्रॉप है एंड सिकल है, तो लेबर्स एंड वर्कर्स के लिए वो काम करते हैं. नेक्स्ट 1962 में जब ये स्प्लिट हुआ तो वो टाइम पे अलग अलग वे में सबने बोला कि ये पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को इंपॉर्टेंस मिला एंड प्रोक्लेम किया सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोज किया इंपीरियलिज्म को. इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स, एंड इसके लिए वर्कर्स एंड फार्मर्स दोनों को इंपॉर्टेंस दिया. मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का लोगो देखोगे एक हैमर है एंड एक सिकल है, सिकल फार्मर्स यूज करते हैं एंड हैमर हथौड़ी एंड सिकल मतलब कोयता, वो दोनों फार्मर्स एंड वर्कर्स यूज करते हैं. नेक्स्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेबल, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, इट इज एन इंपॉर्टेंट टेबल, एग्जाम में पूछा जा सकता है फॉर रॉन्ग पेयर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोगो इज वन सच वे विच विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टू अस, तो लोगो हमेशा याद रखना. नेक्स्ट इज रीजनलिज्म. अभी सर ये रीजनलिज्म होता क्या है? रीजनलिज्म मतलब क्या? एक रीजन से आए हुए लोग, बराबर. सो इन इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल अपने महाराष्ट्र का दे, महाराष्ट्र में पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कम टू महाराष्ट्र. क्या वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं? नहीं. क्या वो सेम जगह से आ रहे? नहीं. सॉरी, क्या वो सेम रिलीजन फॉलो करते हैं? नहीं. तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग, डिफरेंट ट्रेडिशन एंड कल्चर फॉलो करने वाले लोग, दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है एंड वो सेम नहीं रहेगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम कर्नाटका. तो जब भी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का बात आ रहा है, अरे बेटा महाराष्ट्र इज भरपूर, सब अलग अलग लोग अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं एंड वी डेवलप अ फीलिंग ऑफ अफिनिटी. अफिनिटी मतलब क्लोजनेस, हम एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं अबाउट अवर लैंग्वेज, अबाउट रीजन. एंड ग्रेजुअली बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स में लोगों को आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस होता है. आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस मतलब क्या? मतलब मेरा रीजन तेरे रीजन से बेस्ट, एंड दिस गिव्स राइज टू रीजनलिज्म. सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लोगों को ऐसा लगने लगता है प्राइमरीली इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट उनके रीजन का, दे स्टार्ट फीलिंग अबाउट देयर ओन, प्राउड अबाउट देयर ओन लैंग्वेज, दे फील प्राउड अबाउट देयर लिटरेचर, अबाउट देयर ट्रेडिशन, अबाउट देयर हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड फाइनली एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स. इसके बारे में प्राउड फीलिंग आना चालू होता है एंड दिस गिव्स राइज टू डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, के लैंग्वेज के बेसिस पे डेवलपमेंट आइडेंटिटी फील करना वो एक कॉमन चीज हो जाता है. ये जो रीजनल आइडेंटिटी होता है ये डेवलप होता है फ्रॉम द कॉन्शियसनेस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन, कि भाई वो रीजन का डेवलपमेंट ज्यादा. जैसे नाइन्थ में हमने रीजनलिज्म पढ़ा था, उसमें देखा था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, बट कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे कम डेवलपमेंट हुआ था. जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ था. ओडिशा, बिहार, ये सब स्टेट्स में डेवलपमेंट जल्दी से नहीं हुआ था. सो द पीपल फील belonging to that region should have claim over the resources and regional identity develop hona chalu hota hai ki bhai hamare yahan ka resources bahut better hai ya employment opportunities available ho raha hai ki nahi.
When this linguistic, regional, cultural and other identities get connected, regional consciousness emerges. Regional consciousness मतलब क्या? कि भाई region के basis पे सब conscious हो जाते हैं and वहां पे इसके basis पे लोग conscious हो जाते हैं, अरे मेरा region best है तेरा नहीं. ऐसा गलत है, ये नहीं होना चाहिए. Sometimes ये इसकी वजह से independent political parties बनते हैं, कभी कभी प्रेशर ग्रुप्स बनाए जाते हैं एंड बहुत सारी बार तो मूवमेंट्स होते हैं, नारे होते हैं, आंदोलन होते हैं. इनका पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम क्या है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ दैट रीजन शुड बी प्रोटेक्टेड. इसके लिए रीजनल पार्टीज बनाए गए हैं कि भाई मेरे रीजन का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया है. जैसे रीजनल पार्टीज बनाए, रीजनल पार्टीज का व्हाट आर रीजनल पार्टीज? रीजनल पार्टीज आर अ ग्रुप इन द रीजन जिनको प्राउड फीलिंग होता है अबाउट देयर डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ दैट रीजन. दे कम्पीट विद ईच अदर टू गेट द पॉलिटिकल पावर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. कि भाई मेरा रीजन डेवलप होना चाहिए एंड वो रीजनल पार्टीज का मेन आइडेंटिटी होता है कि भाई रीजनल डेवलपमेंट करना है. द इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजनल पार्टी इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन. जैसे हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हमने 9th में पढ़ा था इंडिपेंडेंट खालिस्तान मूवमेंट एंड एक पार्टी के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था अकाली दल. उन्होंने डिमांड रखा था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करवाया था. तो ये रीजनल डेवलपमेंट है ना, उनका डेवलपमेंट रीजनल क्यों है? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पढ़ा था. तो ये रीजनल डेवलपमेंट है, वो रीजन के बारे में. और वो पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम रीजनल पार्टीज का वही होता है कि मेरा रीजन डेवलप हो. सो देयर इज अ रोल ऑफ रीजनल पार्टी. जैसे रीजनल पार्टीज किसको प्रेफरेंस देते हैं कि भाई रेजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम. रीजनल लेवल पे सब रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं. रेजोल्यूशन मतलब क्या? कि अग्रीमेंट पास किए जाते हैं. वो डिमांड करते हैं मोर ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब मोर पावर एंड अथॉरिटी. एंड दे कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट. मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो रीजनल गवर्नमेंट मतलब रीजनल पार्टी कोऑपरेट करता है. रीजनल पार्टी क्या करेगा? डिमांड रखेगा कि भाई मेरा रीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी नहीं आ रहा है, रोड्स अच्छे नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, तो ये रीजनल प्रॉब्लम है. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके वो लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. द पॉलिटिकल पार्टीज आर कमिंग, दैट इज द पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन एंड रेजिडेंट्स ऑफ दैट रीजन. वो लोग भी प्रेफरेंस देते हैं कि भाई हमारे रीजन के लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए. किधर? एडमिनिस्ट्रेशन में, जॉब्स में, काम में. टुडे ये नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज चेंज हो रहा है. पहले कैसा था कि आइडेंटिटी राइज हो रहा था बिकॉज ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट. जैसे पहले डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान या द्रविड़िस्तान का डिमांड था. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये ऑटोनॉमी के लिए चला गया. मतलब पहले क्या था कि पहले के टाइम पे ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट करते थे, एक्सट्रीमिज्म होता था, वायलेंस होता था. बट आज अगर देखे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम इंडियन फेडरेशन, आज ऐसा नहीं होता है. तो रीजनल पार्टीज जैसे पंजाब में, तमिलनाडु में, जम्मू एंड कश्मीर में, ये सब ने इंडिपेंडेंट डिमांड्स रखा था. डिमांड्स स्लोली चेंज हो गया एंड पहले इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री का डिमांड था. अभी पावर का डिमांड है कि भाई मोर ऑटोनॉमी होना चाहिए. ऑटोनॉमी मतलब मोर पावर मिलना चाहिए. द सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टी is the started after 1990. Later on, the regional parties demanded development of that region and people of that region should get more power. State level pe bhi more power milna chahiye and national level pe bhi. For example, Shiv Sena, for example, Telugu Desam Party. Ye regional party ka best examples hai. Development of the regional parties in Northeast had a different trend. Humne padha tha ye 9th standard mein. बहुत सारे मिजो नेशनल फ्रंट, नागा नेशनल काउंसिल, ये सब के बारे में पढ़ा था. सो दे गेव अप देयर डिमांड फॉर सेपरेटिज्म एंड उनका जो डिमांड था, दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी मतलब मोर पावर. इसके लिए ऐसे बहुत सारे रीजनल पार्टीज बनाए थे जिनको बोला गया था कि आप मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स में इंक्लूड हो जाइए. सो ऐसे बहुत सारे फेजेस बनाए रीजनल पार्टीज के. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये रीजनल पार्टीज डिमांड करते थे थ्रू सेपरेटिज्म मतलब वायलेंस करके सेपरेट होके, ऑटोनॉमी मतलब पावर का डिमांड करते थे. एंड आज अगर देखे तो मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स में खाली एंट्री मिल गया तो रीजनल पार्टीज को बेटर होता है. द कोएलिएशन पॉलिटिक्स, इफ यू रिमेंबर, वो नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का कोएलिएशन होता है.
So coalition politics, one of the consequence of their increasing influence in national politics. There are some regional parties as shown below, jaise Shiv Sena, Shiromani Akali Dal, Jammu and Kashmir National Conference, Assam Gana Parishad, Dravida Munnetra Kalagam Party. So let's see, sabse pehle Shiv Sena. Shiv Sena kabhi established hua tha 1966 mein. Objective was protection of the rights of Marathi people, promotion of Marathi language and resistance to people from other region. Ye unka main objective tha ki Marathi logo ke rights ke liye promote protection chahiye, Marathi language ko promote karna and dusre region se aa rahe unko resist karna. 1995 mein ye coalition jude with BJP and power share kar raha hai from 2014 till 2022. Wo BJP government ke saath Shiv Sena support mein the. Next is Shiromani Akali Dal, 1920 mein banaya. Cultivating the religious and regional identity, assumes power in Punjab for many years. Matlab regional and religious identity dene ke liye Shiromani Akali Dal banaya tha. Jammu and Kashmir National Conference was made in 1932. Unka main purpose wahi tha, protection for the interest of Kashmiri people, protection of autonomous status and Assam Gana Parishad, jo 1985 mein banaya tha, for problem resolving the problems of displaced people. Displaced people matlab kya? Ki ye wo log the jo displaced the, matlab Bangladeshi migrants yahan pe aaye the, unka Assam se unke ghar wapis bhej dena Bangladesh mein, aur jo yahan pe reh chuke hain unko rights dena. So protecting the cultural, unique cultural, linguistic and social identity of Assam. And protection of economic development. Paisa, rokda, damdi, cash kidhar se aa raha hai? Kaise economy ko develop kare Assam mein? Wo zaruri tha. Assumes power in Assam for many years. Next is Dravida Munnetra Kalagam Party. This is an important answer exam mein aayega. The protection of Tamil identity. Now this party was originally Justice Party. It was a non-Brahmin movement 1920 mein chalu hua tha. जो ट्रांसफॉर्म होके बनाया एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था द्रविड़ा मुन्नेत्रा कळगम पार्टी. बाद में ये जस्टिस पार्टी का नाम चेंज करके द्रविड़ा कळगम पार्टी किया 1944 में एंड 1944 में एक ग्रुप अलग होके द्रविड़ा मुन्नेत्रा कळगम बना. वो कज़ागम बोलते हैं, उसका प्रोनंसिएशन कळगम भी बोल सकते हैं. अनदर ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम डीएमके पार्टी became in 1972, established a new party jiska naam tha AIDMK, All India Dravida Munnetra Kalagam, and the member of coalition government at the center even today. So Maharashtra mein regional parties hai Shiv Sena, Maharashtra Navnirman Sena, Peasants and Workers Party and Samajwadi Party along with Republican Party of India. These are important questions जो exam में आ सकते हैं and this is an important table which will be asked for complete the flow chart and for wrong pair. तो ये please बराबर से करके जाना. All right dear students, that's it from my side. Thank you so much. Take care. God bless. Study well and अच्छे से prepare करो ये exam के लिए. All the best.